ड्यूज ऑफ कीप, आज हम पढ़ रहे हैं ड्यूज ऑफ कीप, ठीक है। कीप मीन्स होता है हिंदी में रहो, ठीक। इसका जो फॉर्मूला होता है, सबसे पहले कीप प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आएंगी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी, जिसके एग्जांपल हैं किताब पढ़ते रहो, कीप रीडिंग दी बुक, स्कूल जाते रहो, कीप गोइंग टू स्कूल, खेलते रहो, कीप प्लेइंग, मुझसे बात करते रहो, कीप टॉकिंग विद मी, दीपक को पैसे देते रहो, कीप गिविंग मनी ऑफ दीपक, पेन खरीदते रहो, कीप बाइंग दी पेन। इसी तरीके से कितने भी सेंटेंस कीप के द्वारा हम बना सकते हैं, और दिन भर जो कुछ भी हम बोलते हैं, उठते बैठते चलते फिरते कुछ भी हम काम करते हैं, इस तरह के सेंटेंस हमें दिन भर में न जाने कितनी बार बोलना पड़ता है। यदि इन सेंटेंसों को यदि हम अपने डेली रूटीन में ले आए तो हमारी और भी इंग्लिश जो है बोलने की जो स्पीड है वो और भी अच्छी हो सकती है। और यदि हम बोलना चाहें तो इनसे ढेरों एग्जाम्पल तैयार कर सकते हैं, और उनको जितनी बार हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, जितना भी बार बार बोलेंगे, बार बार बोलने से इसकी हमारी प्रैक्टिस और भी अच्छी हो जाती है। तो इसमें से जो सेंटेंस, इसमें सबसे पहले होता है कि सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट ही नहीं आता है। सबसे पहले इसको कीप से स्टार्ट करते हैं, कीप से स्टार्ट करने के बाद गर्व की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ते हैं और ऑब्जेक्ट और एटीसी। इसी तरीके से ये सेंटेंस कुछ एग्जांपल के तौर पे दिए गए हैं, और भी कितने भी सेंटेंस हम बना सकते हैं और इनसे बड़े सेंटेंस भी बना सकते हैं। फिर एक सेंटेंस बता रहा हूँ, बता करके आपको लिख करके बता रहा हूँ। जैसे सेंटेंस लिखा है, बाजार जाते रहो क्योंकि आप एक दुकानदार हैं, क्योंकि आप एक दुकानदार हो। कीप गोइंग टू मार्केट बिकॉज यू आर ए शॉपकीपर, कीप गोइंग टू मार्केट बिकॉज यू आर ए शॉपकीपर। तो इस तरीके से बड़े बड़े सेंटेंस भी बीच में कंजक्शन प्रपोजिशन लगा करके, कुछ भी लगा करके आप अपने सेंटेंसों को बहुत ही इजी तरीके से बना सकते हैं, और अपनी अभ्यास यदि लगातार आप इस चीज़ का अभ्यास करते रहेंगे तो इससे क्या होता है कि आपकी स्पीड जो बोलने की क्षमता है वो धीरे धीरे से और बढ़ जाती है। दोस्तों यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तक अपना चैनल सब्सक्राइब कर लें।